प्रांजल बता दिया करो भाई, माइक आई कम नहीं लगते, ऑब्जर्व करते रहा करो हमें, फिर हम तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं। तो जितना कम टेम्परेचर होगा मेटल की कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, तो मेटल ही 0 से 15 केल्विन टेम्परेचर पे किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, सुपर कंडक्टर की। सुपर कंडक्टर मतलब उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑलमोस्ट 0 होगी और कंडक्टिविटी इन्फिनाइट होगी, ऐसे कहलाते हैं सुपर कंडक्टर आपके। चलिए तो अब कंडक्टर को समझते हैं थोड़ा सा, किन्हें कहेंगे हम कंडक्टर, सिर्फ इनको बच्चों आराम से पढ़ना है और समझना है। Which allowed flow of current लिख लो या चार्ज लिख लो, which allow flow of current, आप चार्ज भी लिख सकते हो, which allow flow of current और चार्ज through it। दुनिया की कोई भी चीज जिससे चार्ज फ्लो हो जाएगा वो कंडक्टर कहलाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा वो कंडक्टर कहलाएगा। विच अलाउज फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, जो अपने में से होके करंट को फ्लो होने देगा वो कहलाएगा कंडक्टर। अब कितने प्रकार के कंडक्टर होता है कोई जानता है, कितने प्रकार के होते हैं कंडक्टर? कोई भी कंडक्टर होगा तो फ्लो तो करंट ही करेगा, लेकिन होते कितने प्रकार के? दो प्रकार के कंडक्टर होते हैं, डाली हेडिंग टाइप्स। अब बच्चों इनको अच्छे से समझना ना, टाइप्स तो टू टाइप्स होते हैं बच्चों, ये टू टाइप्स, टू टाइप्स। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना बच्चों ना, अब आपका चैप्टर का बेसिक स्ट्रांग हो रहा है, टाइट हो रहा है ना, अच्छे से पढ़ के आना इसको। टू टाइप्स होते हैं बच्चों, तो दो कॉलम बना लेंगे बच्चों, तो कंपेयर करते हुए इनको पढ़ते जाएंगे अपन। एक होते हैं आपके मेटेलिक, या इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेटेलिक कंडक्टर और देख ध्यान रखिएगा, मेटेलिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी या मेटेलिक। देखो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों ही शो करती है करंट को फ्लो होना, लेकिन जब निश्चित जगह में करंट फ्लो होने लगता है तो उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब ये समझाएंगे हम आगे, मेटेलिक या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, या आप इनको कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो या कंडक्टेंस भी लिख सकते हो, ये सब मिल एक से टर्म है, समझना है वैसे आपको। और दूसरे होते हैं जो इस चैप्टर में भरे पड़े हैं, ये चैप्टर इन्हीं से पूरा होना है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक। ये आपको बच्चों इस चैप्टर में पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो सब इससे बनने हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या कंडक्टिविटी। बिल्कुल सरल तरीके से समझना है बच्चों, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है मेटेलिक कंडक्टर में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, सबसे बड़ा डिफरेंस? ये इलेक्ट्रॉनिक है बच्चों और वो इलेक्ट्रोलाइटिक है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक। बताओ भाई सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर? चलो सरल भाषा में आपको एग्जांपल दे देते हैं,
मेटलिक कंडक्टर मतलब ये जो पूरा जाल बिछा हुआ है पूरे आपके मेटल का, इसमें जो कंडक्टिविटी हो रही है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मतलब बैटरी, चाहे छोटा सेल वाली बैटरी हो चाहे बड़ी इन्वर्टर वाली। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मतलब बैटरी, चाहे ये मोबाइल की बैटरी हो। देखिए ध्यान रखिएगा, मेटलिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके कारण होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मेटल है, ये मेटल की वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो मेटलिक कंडक्टर में कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी किसके कारण होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। आपके बैटरी में वायर आयर थोड़ी डली है, बैटरी में क्या फ्लो, हालांकि इलेक्ट्रॉन वहाँ भी फ्लो होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है ना उसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो फ्लो ऑफ आयन्स, आयन्स फ्लो करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उसके कारण कंडक्टिविटी आती है। अब आयन्स कहाँ बनेंगे? वो इलेक्ट्रोलाइट्स में बनते हैं। कोई जानता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? साधारण भाषा में जो आयन्स लीच करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। कौन आयन्स लीच करते हैं? तीन चीज़ें, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ऑल थ्री आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तीनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अगर कंडक्टिविटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी तो उसको कौन सी कंडक्टिविटी कहोगे? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, मेटलिक कंडक्टिविटी। और अगर कंडक्टिविटी आयन्स के फ्लो से होगी तो उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। ये बच्चों पहला डिफरेंस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ना। तो इनकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों टर्म फ्लो करंट को ही शो करते हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हो, चाहे कंडक्टेंस लिख दो चाहे कंडक्टिविटी। तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी जो होती है इनकी, कंडक्टिविटी वो होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चे स्टेटमेंट हमें याद चाहिए आपसे, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इसकी कंडक्टिविटी क्या लिखोगे? ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन्स। हम आप अच्छे से इसको समझते हुए चलेंगे एक एक चीज़ को, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आए हमें भविष्य में। अब एक क्वेश्चन पूछें बच्चों आप लोगों से, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। पूरी केमिस्ट्री आपस में कनेक्टेड है, चैप्टर पहला चैप्टर आखिरी से कनेक्टेड है, और चैप्टर आखिरी चैप्टर पहले से कनेक्टेड है, सब आपस में कनेक्टेड है। अच्छा हम आपसे पूछ लें, नमक ले आए हम, नमक, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, ईटिंग सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। नमक अगर हम ले आए, नमक सॉलिड, नमक ले आए हम, नमक सॉलिड, या नमक का पाउडर ले आए जो घर में टाटा नमक पड़ा हुआ है, एक एक, और इसमें लगा दे वायर करंट सीधे ऐसे, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा? कोई ना बोलेगा, मान्य। क्यों? तो आपके टेस्ट करके आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें करंट ना लगना चाहिए। हाँ लग गया तो फिर कल ना आना तुम लोग शिक्षा। करंट फ्लो करेगा NaCl, क्यों? वो तो आयन बनाता है। नेहा नहीं करेगा वो, अभी हम इतने देर से एक घंटा से समझा रहे कि आयन बन है तो करंट फ्लो ये होगा, इसमें आयन नहीं है। ये देखो ये छुपे, कल्पना करो आयन तो है, तो फिर NaCl और
कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ खड़ा नमक लाए हैं बिल्कुल, या उसको टुकड़े टुकड़े में पीस दिया है, कुछ है, मतलब अभी कुछ नहीं डाला इसमें, बस शुद्ध नमक है या नमक का चून है। अनामिका करंट फ्लो करेगा इससे, काहे ना करे भैया, आयन तो है इसमें, क्यों जबरदस्ती गलत बोल रहे, आयन नहीं दिख, NaCl में आयन नहीं दिख रहे आपको, तो आयन फ्लो तो करेंगे इसमें, तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो आप लोग सभी सही हो, क्यों सही हो वो हम बता देते हैं, हमने बताया ना कि इनकी कंडक्टिविटी किससे होती है, आयन से, और जब भी ये सॉलिड फॉर्म में, इनमें कोई आयन नहीं होता है, या तो इन्हें पानी में घोलो तो ये किस में क्या बनाएगा, आयन, या फिर इसको गलाओ तब ये क्या बनाएगा। तो आप ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पहले भी आए हैं, पूछ लिए सकते हैं कि NaCl सॉलिड स्टेट में कंडक्टर है कि नहीं, तो आंसर है नहीं, लेकिन आपसे पूछ ले सोल्यूशन में कंडक्टर है, तुरंत आंसर है हाँ, गलाने पर कंडक्टर है, तुरंत आंसर है हाँ, रीजन पूछ ले तो आंसर है क्योंकि इस प्रोसेस में क्या जनरेट कर देते हैं, आयंस। तो ये ऐसे क्वेश्चन, अभी ये आपने समझ लिया, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, NaCl पूछ ले, AgCl पूछ ले, KCl पूछ ले, CHCl, दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो कंडक्टिविटी जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी किससे होती है, फ्लो ऑफ आयंस, और आयंस कब बनेंगे, जब आप इनको या तो डिजॉल्व करो, घोलो इन्हें, या इन्हें गलाओ, गलता है ऐसे टेम्परेचर के द्वारा, हीट, हालांकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, हीट के तो कोई भी चीज़ गलेगी किससे, टेम्परेचर से, हीट से, हाँ गल जाता है, हालांकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है लेकिन गल जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट, सॉलिड स्टेट में पड़ा हुआ है, हम लिखवाएंगे, अभी से हमने आपको बता दिया। एक चीज़ और बता देते हैं यहीं से, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है, पता है 6 होता है, बाद में लिख पाएंगे क्या होता है, बाद में बताएंगे। पहला पॉइंट सबको क्लियर, मेटलिक कंडक्टर कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्लो ऑफ, चलो ठीक है समझ में आ गया। अगला पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड पॉइंट, बच्चों ये पॉइंट भी याद रखना, पहले दूसरे और तीसरे पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं, बाकी चौथे पांचवे चाहे आप रखो चाहे ना रखो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो, सॉरी मेटलिक कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, कोई बताएगा क्या, थोड़ी देर पहले बताया हमने, सिर्फ एक ही कंडक्टिविटी है जो टेम्परेचर से डिक्रीज होती है, इसको ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो आपके सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर से इंक्रीज होती है, तो जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ध्यान रखना, जो मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर से क्या होती है, डिक्रीज होती है, ध्यान रखिएगा, मेटेलिक कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टेंस भी लिख सकते हो आप, सिर्फ एक ही कंडक्टिविटी है बच्चों, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, बहुत पूछी गई है, मेटलिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटलिक कंडक्टिविटी उतनी कम आएगी, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो मेटलिक कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये भी समझा दूँ हमें, आखिरकार टेम्परेचर बढ़ाने से मेटलिक कंडक्टिविटी घट क्यों जाती है, तो और उल्टा होना चाहिए था ना, टेम्परेचर बढ़ाते तो इलेक्ट्रॉन को और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, इलेक्ट्रॉन की तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, रास्ते में टीला आ जाते, पहाड़ आ जाते, ये पता तो चले, रेजिस्टेंस मतलब करंट के फ्लो में रुकावट,
तो ये रुकावट कैसे आ जाती है? मतलब ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगते तो आपस में टकराने लगते हैं क्या? ऐसा है क्या ना? ये देखो, आप कह रहे हो कि ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम तो ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो नहीं करेंगे, मतलब इसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी। और टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी, तो ये तो और तेज़ी से दौड़ेंगे, तो कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए ना। आंसर देख लो बच्चों, बहुत सही आंसर बोला है। देखिए, ये एक मेटल है, कोई भी मेटल की बात मान लो, ये कोई मेटल है, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाह रहा है। ऐसे ये मेटल यहाँ पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन वो डिपेंड करता है कि बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, उतने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। मान लो इसने एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसने भी इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस को क्या कहते हैं? बहुत स्पेशल नाम है इनका, कैटायन, तो वो एक सिंपल सा नाम हो गया, कर्नेल्स। ध्यान रखिएगा, इनका नाम होता है कर्नेल्स, लिखना है बच्चों, ये कर्नेल्स कहलाते हैं, कर्नेल्स। पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन को कर्नेल्स कहा जाता है, कर्नेल्स। सेकंड पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जितना भी वो लिखवाया था फॉर्मूला लिख लिया था इन्वर्सली वाला, उसके बाद ये डायग्राम बनाओ, कर्नेल्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इनका भी नाम है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल सकते हो आप इनको, है ना, या मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो इन्हें आप। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, आपसे अगर आज के बाद दुनिया में कभी भी कोई पूछ ले कि मेटल जो होता है, मेटल उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब मेटल किन से मिलके बना होता है, मेटल, मेटल जैसे हमने कहा ये आयरन का एक टुकड़ा उठा के ले आए, तो ये आयरन 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 ये ऐसे नहीं रहते हैं, ये आयरन पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, प्लस टू या प्लस थ्री फॉर्म में, और ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो आपसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मेटल पूछ ले, क्या बताओगे? बहुत कम लोगों को पता होता है, अब सबको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मेटल होते हैं पॉजिटिव मेटल आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे होते हैं। और आपसे कोई पूछ ले मेटलिक बॉन्ड क्या है, कोई बता सकता है व्हाट इज मेटलिक बॉन्ड? दिस इज द मेटलिक बॉन्ड, कर्नेल्स के बीच में और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में अपोजिट चार्ज है ना, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटलिक बॉन्ड। ये बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है, जस्ट लाइक अ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की तरह ये बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये है बच्चों, अब होता क्या है, देखिए आखिरकार टेम्परेचर बढ़ाने से मेटलिक कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है, उसका आंसर हम देते हैं बच्चों। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो है ना, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये जो कर्नेल्स होते हैं ये वाइब्रेट होना चालू कर देते हैं, स्टार्ट वाइब्रेटिंग ना, स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक है, स्टार्ट वाइब्रेटिंग। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कर्नेल्स होते हैं, कर्नेल्स मतलब पॉजिटिव मेटल आयन है ना, जो कर्नेल्स होते हैं ये स्टार्ट कर देते हैं आपके वाइब्रेटिंग, स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक है। अब हम मान लो इस रास्ते से जा रहे हैं हम, ठीक है, हम इस रास्ते से जा रहे हैं और ये रास्ता वाइब्रेट करने लगे तो हमारी गति में कमी आएगी कि नहीं आएगी ना। तो इसी प्रकार जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कर्नेल्स वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं, और जब ये वाइब्रेट चालू कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा तो किसका फ्लो रुकेगा, करंट का, और करंट का फ्लो रुक रहा है मतलब उसमें क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस। तो आपसे कोई भी पूछ ले कि मेटलिक कंडक्टिविटी
डिक्रीज क्यों होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने से, तो उसका आंसर होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या स्टार्ट कर देते हैं, कर्नल से स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और कर्नल के वाइब्रेटिंग स्टार्ट करने से कौन सी चीज़ अक्कर हो जाती है, रेजिस्टेंस। बच्चे हमें आपसे चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से, रेजिस्टेंस गेट्स इंक्रीज। बिल्कुल ओपन करके एक एक चीज़ आपको पता चल गई, ओपन करके आपसे कोई पूछ ले आज के बाद मेटलिक कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट, आप बताओ कि डिक्रीज होती है, डिक्रीज क्यों होती है, आंसर है टेम्परेचर से मेटलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस का कारण क्या है मेटलिक कंडक्टर में, आंसर है कर्नेल्स का पॉजिटिव मेटल आयन का वाइब्रेट होना, टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेट होते हैं। ये बच्चों आपको पता होने चाहिए, याद हो या ना हो समझ में आने चाहिए आपको अच्छे से, एक यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं। चलो अब बात कर देते हैं इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ये टेम्परेचर से क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, पहले ही बता चुके हैं दुनिया की हर कंडक्टिविटी टेम्परेचर से बढ़ती है एक्सेप्ट मेटलिक कंडक्टिविटी, हर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डालिए इसकी हेडिंग, इफेक्ट ऑफ टी टेम्परेचर, तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बढ़ती है भाई, बढ़ जाती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से बढ़ जाती है। रीजन ये बैटरी पड़ी हुई है, ठीक है, ये एक आयन है ये दूसरा आयन है, यहाँ अपोजिट इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ अपोजिट इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, अपोजिट इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव आयन आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा एंड नेगेटिव आयन किसकी तरफ मूव करेगा, और जैसे ही ये अपोजिट इलेक्ट्रोड पे पहुँचते हैं चार्ज फ्लो होना चालू कर देता है, और आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ये जो आयन्स हैं इनकी कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो पहले धीमे धीमे चल रहे थे बिल्कुल 10 की स्पीड से, फिर ये बहुत तेज़ी से जाएंगे वहाँ पर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि क्या बढ़ जाती है, मूवमेंट ऑफ आयन्स या काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन्स, यहाँ कोई इनको रोकने वाला नहीं, इनको सिर्फ फ्लो करना है। आगे जाके बच्चों आपको यही पढ़ना है, तो आप ध्यान रखना हर एक वो फैक्टर जो आयन्स के नंबर बढ़ाएगा और आयन्स की मोशन मूवमेंट माइग्रेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ध्यान रखना आगे जाके। अभी हम आपसे आगे जाके पूछेंगे, आगे जाके हमें फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का, तो जितने भी चीज़ आयन्स की मूवमेंट बढ़ा दें वो आयन्स का नंबर बढ़ा दें वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। चलो एक तो लॉजिकली पूछ लेते हैं हम आपसे क्वेश्चन, अगर सॉल्वेंट थिक है मतलब विस्कस है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी और घटेगी, आंसर है घटेगी, क्योंकि विस्कस सॉल्वेंट होगा तो गाढ़ा होगा और गाढ़े सॉल्वेंट में आयन्स की मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो ऐसे आपको लॉजिक लगा लगा के आगे पढ़ने हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इसका रीजन से क्या फ्लो बढ़ जाता है, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी
ऑफ आयन्स। कितने प्रकार के आयन्स होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं, कैटायन्स एंड एनायन्स। मतलब टेम्परेचर से इनका रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा? बताओ जल्दी। डिक्रीज हो रहा होगा। और उसका डिक्रीज हो रहा, तो मेटलिक कंडक्टिविटी में रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में रेजिस्टेंस घटता है जितना टेम्परेचर बढ़ता है। जितना लिखा है वो तो बच्चों आपको याद करना ही है, बाकी जो हम आपकी लॉजिक डेवलप कर रहे हैं वो भी आपको अपने याद रखने हैं। अगला थर्ड फैक्टर देखो, थर्ड डिफरेंस देखो। क्या जब मेटलिक कंडक्टिविटी होती है तो डीकम्पोजिशन होता है? इज इट डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटलिक कंडक्टिविटी? मेटलिक कंडक्टिविटी जब होती है तो डीकम्पोजिशन होता है क्या? हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं आपको वायर ऐसे दिखता है टूट रही है, शॉर्ट सर्किट वाले इफेक्ट अलग है। यहाँ करंट फ्लो हो रहा है इस मेटल में, क्या ये वायर टूट रहा है क्या? सिर्फ इसमें क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है आपका। तो ये मेटलिक कंडक्टिविटी में कुछ नहीं होता है, ये मेटल है, ये पूरा मेटल पड़ा हुआ है, इससे मेटल क्या रिलीज करता है? इलेक्ट्रॉन। वही इलेक्ट्रॉन इससे क्या चालू कर देते हैं? फ्लो होना चालू कर देते हैं। तो मेटलिक कंडक्टिविटी में कोई भी डीकम्पोजिशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लिखिए, देयर इज नो एनी डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब टूट जाना, कंपोजिशन का डी हो जाना, टूट जाना, डीकम्पोजिशन। थक गए नाम का। देयर नो एनी डीकम्पोजिशन इन सच कंडक्टिविटी और इन सच कंडक्टर, जो लिखना चाहो, इन सच। हाँ, इन सच कंडक्टर या सच कंडक्टिविटी देयर इज नो एनी डीकम्पोजिशन इन सच कंडक्टिविटी। होता है क्या डीकम्पोजिशन? बताओ विजेता, होता है क्या डीकम्पोजिशन? है मेटल पड़ा हुआ है, मेटल टूट थोड़ी रहा है, मेटल से सिर्फ क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, टूट थोड़ी रहा है। नो डीकम्पोजिशन। इसमें डीकम्पोजिशन होता है क्या? क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में डीकम्पोजिशन होता है? बताओ कैसे? इसका आंसर हम अभी अभी देख चुके हैं कि आयन तो तभी बनेंगे ना जब ये टूटेगा, Na पॉजिटिव एन सी एल। अब तोड़ने के लिए या तो इसको घोलो या इसको गलाओ, तो इस कंडक्टिविटी में डीकम्पोजिशन होता है। लिख लो अपने मन से, देयर इज डीकम्पोजिशन इन सच कंडक्टिविटी, देयर इज डीकम्पोजिशन इन सच कंडक्टिविटी। इस कंडक्टिविटी बिना डीकम्पोजिशन के कंडक्टिविटी हो ही नहीं सकती, आयंस तो बनाने पड़ेंगे ना। देयर इज डीकम्पोजिशन इन सच कंडक्टिविटी। ये हम NaCl इसलिए ले रहे हैं, तुम लोगों को बड़ी आसानी से वाला पता है। देयर इज डीकम्पोजिशन इन सच कंडक्टिविटी। लिख लो बच्चों एग्जाम पे। अब हम आप लोगों को पढ़ाने के बाद घुमा घुमा के कुछ ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, बताना। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों पहले और दूसरे पॉइंट है, वो जरूर याद रख लेना आप, ठीक है? बाकी